हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुंपास रसोई। तो आज मैं समर ड्रिंक रेसिपी लेके आई हूँ। समर स्पेशल है तो आम की रेसिपी है, तो उसको आप बोल सकते हैं मैंगो फ्रूटी या फिर मैंगो जूस, जो भी आपको पसंद है आप बोल सकते हैं। बच्चों को तो बहुत पसंद आती है, हम बाहर से खरीद के लाते हैं, तो घर में बनाना बहुत ईजी भी है और हाइजीनिक भी और हेल्दी भी है। तो देखते हैं घर में कैसे बनाते हैं मैंगो या फिर मैंगो जूस। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। तो रेसिपी को देखते हैं। मैंगो फ्रूटी के लिए हमें दो पके आम और एक कच्चे आम दोनों चाहिए। रेशियो ये होना चाहिए, दो पके आम और एक कच्चा आम, कच्चा कैरी जिसको बोलते हैं उसे चाहिए। उसे ऐसे छोटे छोटे चॉप कर लीजिए। हाँ, रॉ मैंगो और जो पके आम है उसे ऐसे छोटे छोटे चॉप कर लीजिए सभी आमों को। और उसे हमें बॉईल करना है। एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, उसमें सारे आमों को, कच्चे आम पके आम सारे आमों को ऐसे बॉईल करना है हमें थोड़ा पानी के साथ। एकदम कच्चे आम जब तक सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है अच्छे से। बहुत इजी रेसिपी है, 10-15 मिनट में बन जाते हैं। देखिए मैंने गैस को भी ऑन कर दिया, अब मैं इसमें थोड़ा पानी मिलाऊंगी। मैं 2 कप पानी ऐड किया है, करीब 200 ml करीब पानी, 2 कप इसी कप से। देखिए मेजरमेंट। अब इसे कुछ नहीं करना है, इसे ढक दीजिए और स्लो फ्लेम पे, मीडियम हीट पे इसे कुक करने के लिए रख दीजिए। 10-15 मिनट बाद ऐसे चेक करिए, देखिए मेरा आम कच्चा आम एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप आपके हिसाब से डालिए, मैंने 1 कप के करीब चीनी ऐड किया है। जितना मीठा आप चाहें उतना मीठा कीजिए, कच्चे आम कितना खट्टा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप उसी हिसाब से चीनी डालिएगा। देखिए चीनी मेल्ट होने तक हमें इसे कुक करना है। और मेरा चीनी मेल्ट हो गया है, मैंने देखिए गैस बंद कर दिया है, उबलना बंद हो गया है। अब इसे ठंडा करना है, एकदम ठंडा कीजिए, फिर दूसरे प्रोसेस में जाना है। मेरा ठंडा हो गया है आम, तो आप इसे स्ट्रेन करना है, उसके अंदर जो जूस है उससे हमें अलग करना है एकदम। देखिए एक बड़ा सा स्ट्रेनर में ऐसे छान लीजिए, देखिए जो जूस निकला है। एक स्पून की मदद से थोड़ा हिला लीजिए ऐसे अच्छे से, तो सारा जो जूस है उन अलग हो जाएगा। देखिए अब इस पल्प को हमें अच्छे से पेस्ट बनाना है, एक स्मूथ पेस्ट ग्राइंडर में पीस लेना है हमें इसे। जब तक ये स्मूथ ना हो जाए एकदम, तब तक इसे हमें पीसना है, ग्राइंड करना है ऐसे। देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट हो गया है। अब इस जूस पेस्ट को हमें उस जूस में मिलाना है। मैंने गलती से स्ट्रेनर में डाल दिया था, ऐसे जूस में मिलाना है उस पल्प को। अब अच्छे से मिलाने के बाद जूस में अच्छे से पल्प को मिला लीजिए, देखिए ऐसे। अब उसे स्ट्रेन कीजिए, तो बहुत फायदा होता है, इजी भी होता है। पल्प थोड़ा पतला हो जाता है तो स्ट्रेन करने में आसानी होता है। और स्ट्रेन करना, छानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आम के अंदर जो रेशे होते हैं उसे छानना बहुत जरूरी है। मेरे आम में उतना रेशे नहीं है, फिर भी मैं स्ट्रेन कर रही हूँ एक स्मूथी के लिए, स्मूथनेस के लिए। तो देखिए ऐसे छान लीजिए, ये 15 मिनट में एकदम बन जाता है। इतना इजी रेसिपी है और घर में बनाना भी बहुत हाइजीनिक और हेल्दी भी है। बाहर से खरीद के लाने से बेटर है ये प्रोसेस। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस मैंगो फ्रूटी या फिर मैंगो जूस रेसिपी को। देखिए मैंने एकदम स्ट्रेन कर लिया, कुछ भी नहीं बचा है।
अब इस पल्प में हमें वाटर मिलाना है, पानी मिलाना है। मैंने करीब 1 लीटर पानी ऐड किया है। ये मेरा शूट नहीं हुआ किसी प्रॉब्लम की वजह से। मैंने देखिए बड़ा बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और 1 लीटर के करीब मैंने पानी ऐड किया है। मैंने थोड़ा और पानी भी ऐड किया, 1 लीटर और थोड़ा ज़्यादा मैंने पानी ऐड किया है। मेरे 2 लीटर के करीब मैंगो फ्रूटी बना है, बहुत टेस्टी हुआ है खाने में, एकदम दुकान के जैसा। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। रेसिपी अच्छे लगे तो मुझे लाइक कीजिए, इस रेसिपी को शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं।